रुक करते हैं अब विस्तार से गतिविधियों की ओर। दिल्ली में 30,000 कोर्ट के बाहर पार्किंग को लेकर पुलिस और एडवोकेट में मारपीट को लेकर पूरे देश भर में वकीलों ने एक दिन का काम का बहिष्कार किया, जिसके चलते हमीरपुर जिला न्यायिक परिषद में भी सभी वकीलों ने अपना कामकाज ठप रखते हुए दिल्ली में 30,000 कोर्ट के मामले को लेकर समर्थन जताया है। हमीरपुर न्यायिक परिषद के बाहर वकीलों ने मामले की पैरवी से लेकर अन्य कामों से दिन भर किनारा रखा। दिल्ली में 30,000 कोर्ट के बाहर पार्किंग को लेकर पुलिस और एडवोकेट में मारपीट को लेकर पूरे देश भर में वकीलों ने एक दिन के लिए काम का बहिष्कार किया है, जिसके चलते हमीरपुर जिला न्यायिक परिसर में भी सभी वकीलों ने अपना कामकाज ठप रखते हुए दिल्ली में 30,000 कोर्ट के मामले को लेकर समर्थन जताया है। हमीरपुर न्यायिक परिसर के बाहर वकीलों ने मामलों की पैरवी से लेकर अन्य कामों से दिन भर किनारा रखा है। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिलिंग में रोहित शर्मा ने दिल्ली में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वकीलों के ऊपर किया गया हमला लोकतंत्र के ऊपर हमला है। उन्होंने बताया कि बार काउंसिलिंग इंडिया की पूरे देश के लिए एक दिन की हड़ताल के चलते कामकाज ठप किया गया है। शर्मा ने कहा कि मामले में शुरुआत पुलिस के द्वारा की गई है और इस मामले में वकील पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच की मांग कर रहे हैं। जो वकीलों के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक पुलिस के द्वारा किया गया है, आई थिंक कि एक डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है, वकीलों के ऊपर अटैक है और जितना भी जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर अटैक है और इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। और आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी नेशनल कॉल है, जिसकी वजह से हमने आज वर्क को एब्सटेन किया है ऑल ओवर इंडिया और इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। वो उनका वर्षन बिल्कुल गलत है। जो स्टार्टिंग हुई है पुलिस के इंस्टांस पे हुई है और इसके मामले में पिछले कल इमीडिएट हियरिंग जो है दिल्ली हाईकोर्ट में करी गई और आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी जो बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन हैं वो बार काउंसिल इंडिया की तरफ से पेश हुए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी हेडेड बाई द सिटिंग रिटायर्ड जज ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट अलॉन्ग विद द सीबीआई ऑफिशियल आईबी ऑफिशियल और 6 वीक्स के अंदर एक जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है और सारे तथ्यों को सुनने के बाद दो जो पुलिस ऑफिशियल थे उनको सस्पेंड किया गया है और उनमें से जो बाकी दो हैं उनको वहां से ट्रांसफर किया गया है। तो इसके ऊपर कोई भी इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है कि जो पहल है वो पुलिस की तरफ से की गई है। इंडिया की आगे फर्दर कोई ऐसी डिमांड होगी तो हम सॉलिडरिटी के नाम पे ऊपर एकता के नाम पर स्ट्राइक करेंगे। वही हमीरपुर बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस की बर्बरता के चलते वकील कामकाज को ठप रखकर दिल्ली के वकीलों का समर्थन जता रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट के बाहर वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग स्थल में हुई मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर वकीलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। इसी के चलते आज पूरे देश भर में वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार कर अपना रोष प्रकट किया है। आप सबको विदित है कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में जो वकीलों के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता से कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया है, उसके ऊपर बार काउंसिल की तरफ से हमें कॉल आई है कि आज के दिन का जो है वो अब्सटेन जो है वो रखा जाए, तो उसके लिए जो है हमने आज के दिन का जो है अब्सटेन रखा हुआ है।